झील कर भी आए। मोहब्बत के हार पे यकीन मुश्किल से आता है, लेकिन हार तो हार होती है, उस वक्त तक सामने खड़ी रहती है जब तक उसे मान न लिया जाए। मैंने मान लिया, वो घर जो बनना था वो ख्वाबों में ही टूट गया। सब खत्म हो गया, इस घर के मलबे में सिवाय मेरी किसी की लाश नहीं है। अजीब दुख है कि मुझे अपनी ही मौत का मातम खुद करना है। अब आप यहाँ कौन सा तमाशा करने आए? मुझे आंटी से मिलना है। यहाँ कोई नहीं रहता। भाभी, मेरा नाम मरियम है और हमारे दरमियान जो भी रिश्ता था ना, वो तुम्हारी अम्मी आज खत्म कर गई है। भाभी प्लीज ऐसे मत कहें, मैं आपको लेने आया हूँ। खिलौना नहीं है बेटा। आंटी आपकी बात, आपका गुस्सा बिल्कुल अपनी जगह ठीक है। मेरे पास तो शर्मिंदगी जाहिर करने के लिए लफ्ज भी नहीं है। इनकार के बाद सारे लफ्ज बेमायने हो जाते हैं। देखिए, उस इनकार की कोई अहमियत नहीं है। हम लोग प्लीज एक बार मेरी बात गौर से सुने। हम लोग मरियम भाभी की रुखसती अभी करना चाहते हैं। हम देखिए आंटी, जिंदगी फैसल को और मरियम भाभी को गुजारनी है ना, अम्मी को तो नहीं। फैसल इस वक्त हॉस्पिटल में, मैं उससे बात करके आ रहा हूँ। ये दोनों अलग घर में रहेंगे, अलहदा। उस पे पहले ही बहुत इल्जाम लग चुके हैं। घर तोड़ने वाले का इल्जाम भी लगाना चाहते हो तुम मुझ पे? भाभी प्लीज प्लीज आप मेरी बात को एक मर्तबा ठंडे दिल से सोचें। घर आप नहीं तोड़ रही हैं, घर तो आपका तोड़ा जा रहा है। आपकी अम्मी शायद फिर थोड़ी देर में यहाँ आ जाए। प्लीज भाभी, भाभी फैसल सिर्फ और सिर्फ आपका है, आपसे फैसल को कोई नहीं छीन सकता। उनको छीनने वाले ना एक नहीं बल्कि दो तो हैं। तुम सबको एक ही जवाब क्यों नहीं दे देती, फैसल का हाथ पकड़ के? हमें नए इम्तिहान में मत डालो बेटा। आंटी प्लीज, आंटी मैं मसले हल करने आया हूँ, मसले बढ़ाने नहीं। कि मैं चुप के रुखसत होने के खिलाफ? भाभी प्लीज, मुझे वहां पर चोरी करने की आदत नहीं है। अपनी अम्मी को लेकर आए, जिस तरह वो हमारे घर में हमें बेइज्जत करके गई थी। वो क्या प्रभाव? क्या अम्मी, ये लोग हमें क्या समझते हैं? रास्ते का पत्थर जिसे जब चाह जैसे चाह इधर से उधर फेंक दिया। मैं भी चाहती हूँ कि आप ही की रुखसती हो जब अपने घर की हो जाए, लेकिन इस तरह हरगिज नहीं। रबाब, रबाब प्लीज। आंटी देखो रे, तुम्हारी अम्मी फैसल के लिए नई लड़की ढूंढ चुकी है, तुम उसके घर जाओ। भाभी फैसल आपसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत होती ना तो जीत चुकी है। ये कुछ और ही था जो खत्म हो गया। भर भर झोली आप वंडाया, हो इश्क ने पानी आग चढ़ाया, धूल बना के गलियां प्लीज। देखिए मैं मजाक करने नहीं आया। मजाक तो बन चुका है बेटा, किसी को मार के उसकी जिंदगी की बातें करना मजाक नहीं तो और क्या है? तुम लोगों ने हमें कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ रखा। अम्मी, अपनी अम्मी को लेकर उनसे कहें कि वो हमसे आकर माफी मांगे, उतनी ही ऊंची आवाज में जितनी ऊंची आवाज में वो हमें बेइज्जत कर रही थी। उसके बाद कोई दूसरी बात होगी। अम्मी, आंटी आप तो मेरी बात सुने।